मद्देनजर रखते हुए हमारे एसपी साहब ने संदीप पीएसआई संदीप ऑटो थेफ्ट इंचार्ज के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जो टीम इंचार्ज संदीप सिंह ने अपने मोटरसाइकिल चार जो चोर हैं उनको काबू किया और उनसे 25 मोटरसाइकिल बरामद की हैं, जो एक चोर कुकलाना का है और तीन हमारे यहाँ के हैं सरसा जिला के कोटली गांव के, तो उनसे और पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें से 21 मोटरसाइकिल हमारे सरसा जिले की बरामद हुई है और जो चार मोटरसाइकिल है फतेहबाद और इसार की है। अब उनसे और पूछताछ करेंगे ताकि और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हो सके। सर, जो वारदात बता रहे हैं 21 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं सर, तो ये कहाँ कहाँ की लोकेशन से चोरी हुए थे सर, कुछ पता चला है? ये तकरीबन हमारे जो सिटी एरिया की जो है, कुछ बैंकों के सामने से, कुछ अपने घरों के सामने से, कुछ अपने, ज़्यादातर ये मोटरसाइकिल सिटी एरिया की से चोरी हुई है। तो किस क्या उम्र रही होगी सर, और क्या कुछ कितना कुछ पढ़े लिखे हैं ये लोग? उम्र तो उनकी 24-25 साल की उम्र है, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कुछ वो थोड़ा बता नशा नुशा करते हैं, जो पूछताछ में हमें पता लगे हैं तो नशा करके ही वो उन्होंने ये वारदात अंजाम दिया। हाँ, तो उनका भी बारे में पता करेंगे, उकलान से भी पता करेंगे भाई, कोई उनका पहले केस रजिस्टर है हिसार में उकलाना में, जो भी उनके पिछला प्रीवियस रिकॉर्ड हम पता करेंगे। तो नाम वगैरह एक दूसरे को जानते हैं या कहीं अलग अलग से हैं सर, कहाँ के हैं? तीन तो एक ही गांव के हैं चोरी के लिए। मास्टर माइंड तो ज्यादातर सोनू ही मास्टर माइंड है जी, तो उनसे बाकी और पूछताछ पे और इनका कोई सरगना निकला, किस कहां किसके पास बेचते थे, हम सारा उनसे गेंद से पूछताछ करें। तो तरीका समय से सर ये चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, तकरीबन 6 महीने से चोरी की वारदात कर रहे हैं हमारे शहर में, तो बाकी और पता करेंगे भी वो इशार की सस्ते की वो कब से। तो तरीका वगैरह सर क्या अपनाते थे, क्या रेकी वगैरह करते थे या कोई बाइक कहीं छोड़ जाता उसको पकड़ते, क्या तरीका क्या अपनाते थे? तरीका तो मास्टर माइंड के साथ चाबी होती है, अपने जहाँ भी नहीं देखा यहाँ पर बैंक के, खासकर बैंक के सामने से या उससे सामने से वो लावर से दिखता है, अभी हाँ भाई कोई मोटरसाइकिल खड़ी है, चाबी लगा कर